हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मनी प्लांट का जो पेड़ है, पौधा है, तो इतनी गर्मी होने के कारण इसकी जो पत्तियाँ हैं वो देख सकते हैं आप लोग कितनी ब्राउन हो रही हैं और कितनी जल रही हैं। और मेरे पास मनी प्लांट बहुत सारा लगा है दोस्तों, तो मेरे पास इतनी जगह है नहीं जो मैं इनको रखूं कहीं पे सेडी एरिया में। तो ये फुल सनलाइट में है और काफ़ी ज़्यादा जो है इनको प्रॉब्लम होती है मनी प्लांट को। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह की पत्तियां कितनी ज़्यादा इसकी जो है ख़राब हो रही हैं। तो आज मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी, ये सारी पत्तियाँ हटाऊँगी इसकी और इसकी प्रूनिंग भी करूँगी और आप लोगों को बताऊंगी भी, क्योंकि मेरे देख सकते हैं आप लोग मेरे जो है ये पूरा जो है मनी प्लांट लगा हुआ है। तो मैं इनकी प्रूनिंग करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी और प्रूनिंग के बाद का जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी हालत ख़राब है, तो इसकी प्रूनिंग कर दूँगी मैं, तो आप देखिएगा। मैं इसको एक एक पत्तियाँ हटा देती हूँ, लेकिन जो है इसकी प्रूनिंग मैं सोच रही हूँ कर दूँ, क्योंकि बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है इसकी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि इतनी धूप होने के कारण इनकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ब्राउन होती हैं। तो चलिए मैं प्रूनिंग करती हूँ इसकी। और ये देखिए, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मनी प्लांट की हालत ख़राब है। ये इतनी ज़्यादा जलने वाली धूप होती है इसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्राउन हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। तो मैं इसको प्रूनिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए, मेरे एक गमले में तो बिल्कुल सूख गया है मनी प्लांट, ये पूरा मनी प्लांट लगा हुआ था, फुल सनलाइट में है। ये थोड़ा सा बहुत कम इसको सनलाइट चाहिए, सेडी एरिया का प्लांट है जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, नमी हो, तो उस एरिया का प्लांट है ये। और मनी प्लांट के लिए इस समय जो जलने वाली धूप होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब इसकी हालत है। तो इसको मैं प्रूनिंग करूँगी, तो चलिए मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसको किनारे जो लटकती हुई इसकी जो ब्रांचें हैं उसको मैं काट दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये ख़राब लग रहा है। मेरे कम से कम जो है 10-12 पॉटों में मेरे जो है मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए इसको मैं पूरा ही काट दूंगी। और जो पत्तियाँ ये सूखी दिख रही हैं इनको भी मैं हटा दूँगी इसमें से। ये देखिए, प्रूनिंग कर दूंगी तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी आएंगी। पूरा नीचे से काट दूंगी मैं। ये देखिए, इतनी जलने वाली धूप होती है दोस्तों कि इनकी पेड़ों की, इसकी क्या सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको मैं सही करूंगी आज, फिर से ये ग्रीन हो जाएगा और इसकी पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं इसको जो है आज पूरा काट दूंगी थोड़ा सा, और काटूंगी मैं जो पीली पीली ब्रांचें देख रही हैं इनको मैं हटा दूंगी पूरी। मनी प्लांट के लिए ये धूप बहुत ज़्यादा ही नुकसान दे रही है, क्योंकि सारे मनी प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो रही हैं और पीली बहुत हो रही हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा उसको छांव में रखिए, सेडी एरिया में रखिए जहाँ पे धूप कम आती हो, और उसकी जो है समय समय पे प्रूनिंग भी करते रहिए। मॉर्निंग की इनको सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मनी प्लांट तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसकी पत्तियाँ जो पीली हैं, ब्राउन हैं, वो हटा देंगे हम सारी। और ये देखिए, अब ये सही लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये मेरे दूसरे पॉट में लगा हुआ है, ये इसकी भी हालत आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है, तो इसको भी मैं काटूंगी। ऐसे मैं काट दूंगी पूरा,
जो पत्तियाँ इसकी जो है ब्राउन है, जली हुई है। ये बहुत ज़्यादा आजकल धूप भी तो इतना जो है तेज़ हो रही है कि मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा दोस्तों। तो आप लोग अपने मनी प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए। ये मैंने कटिंग से लगाया था और कटिंग से काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया है, लेकिन ये ज़्यादा धूप मिलने की वजह से ये ऐसे हो गया है। तो इसको अभी मैं सारी पत्तियाँ इसकी हटा दूँगी ताकि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे, और इसको थोड़ा सा छाँव में रखूँगी। तो ये मेरा ये दो पॉट हो गए मेरे, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें सदाबहार वाइट वाला आ गया है, कहीं बीजा पड़ गया, तो इसको भी मैं काट दूँगी पूरा। ये थोड़ा सा मेरा गमला जो है टूट गया था, पूरा मेरा प्लांट ये सूख गया है, तो इसको भी मैं हटा दूँगी, पूरी पत्तियाँ इसकी हटा दूँगी ऐसे ही, और फिर से ये अच्छी ग्रोथ करेगा। मनी प्लांट तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा जाता है जहाँ पे थोड़ा सा इसको नमी बनी रहे। लेकिन आजकल तो समर सीजन चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे तो कई जो है पॉट के जो मनी प्लांट है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही हालत उनकी ख़राब हो गई है, तो इनको मैं काट दूँगी, ये सदाबहार में नहीं काटूँगी, इनको लगा रहने दूँगी। तो ये देखिए ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये तो दोस्तों देख सकते हैं ये मनी प्लांट मेरा ठीक हो गया है। अब इसको शेडी एरिया में रखेंगे। चलिए और मैं दिखाती हूँ, तो इसको भी मैं थोड़ा सा काटूँगी। देखिए इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी जो है ख़राब हो गई हैं, तो इन पत्तियों को हम हटा देंगे इससे, इस तरह से सारी पत्तियों को हटा देंगे। और ये नीचे से भी काफ़ी जो है नीचे लटकने लगा है, ये देखिए इसको भी मैं हटा दूँगी। तो चलिए इनकी प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो इसको भी मैं जो पीली पत्तियां हैं जो लटक रही हैं ये पूरी मैं हटा दूँगी, थोड़ी सी नीचे से काट दूँगी, और ये पीली पीली पत्तियां इनको हटा दूँगी, ये सारी पत्तियां हटा दूँगी पीली वाली, क्योंकि इनके लिए धूप बहुत नुकसानदायक इस समय हो रही है। तो इसलिए अपने मनी प्लांट को जो है काफ़ी जो है तो जहाँ पे थोड़ा कम धूप आती हो वहाँ पे रखें, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इनकी पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी। मेरा मनी प्लांट फुल धूप में रखा हुआ है, इसलिए इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जगह भी नहीं है, मैं कहाँ रखूँ इनको। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी जो है सूख गया है, ये सब मनी प्लांट ही है। तो चलिए प्रूनिंग तो इसकी हो गई थोड़ी बहुत। ये देखिए इसका भी मैं थोड़ा सा काटूंगी। हम सोचते नहीं हैं कहाँ से काटना है, क्योंकि सोचने वाली बात है नहीं, ये प्लांट है और फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, इसलिए कैंची उठाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। ये तो दोस्तों ये जो है आप लोग देख सकते हैं, इसकी कटिंग मैं ऐसे कर दूंगी, किनारे किनारे जो इसकी ब्रांचें हैं जो लटक रही हैं उनको मैं काट दूंगी। तो अब देखिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी है। और चलिए अब दूसरा शुरू करती हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसकी ब्रांचें भी मैं काट दूंगी इधर से थोड़ी सी, ज़्यादा लटकने वाली नहीं रखूंगी। और तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद का ये रिजल्ट है इसका, अभी जो है प्रूनिंग कर दिया है तो काफ़ी हालत इनकी ठीक हो गई है।
इधर दिखाती हूँ, इधर भी ठीक हो गया है। देखिए ये देखिए, ये पूरा मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मनी प्लांट का इतना सारा कचरा निकला है, जो पत्तियां हैं इन पत्तियों को मैं फेंकूंगी नहीं, इनको पत्तियों की खाद बनाने के लिए मुझे बहुत इससे हेल्प मिलेगी, इसकी मैं पत्तियों की खाद बनाऊंगी। तो ये देखिए मनी प्लांट की कितनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण ही इसकी हालत ये हो रही है। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं, मनी प्लांट मैंने कटिंग लगाई थी तो वो सूख गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है इसकी पत्तियाँ निकली हैं। मेरे 12-13 कम से कम 15 गमलों में मनी प्लांट लगा हुआ है, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दिया है। तो आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वैसी है। तो इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको पत्तियों की खाद बनाऊंगी और वो मेरे प्लांटों के में बहुत काम आएगी, प्लांटों में बहुत काम आएगी। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी और स्टोर करके जो है इसको पत्तियों की खाद बना डालूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मनी प्लांट की हालत ख़राब थी, तो मैंने प्रूनिंग कर दिया है। और चलिए फ्रेंड, इन पत्तियों को मैं स्टोर कर लूँगी तो पत्तियों की खाद बनाने के काम आ जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा जो है वो भी मैं बताऊँगी, इसकी पत्तियाँ एक उसमें भर के, जैसे प्लास्टिक का कोई बोरी वोरी होती है तो उसमें भर देंगे और उसमें सूखी मिट्टी डाल देंगे तो पत्तियों की खाद बहुत अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों आप लोग मनी प्लांट को थोड़ा सेडी एरिया में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है इस समय, जलने वाली धूप है, तो इनके लिए बहुत नुकसान है, बहुत पत्तियाँ इसकी जल रही हैं। तो मैंने आज सोचा कि आज इसकी प्रूनिंग कर दूं, क्योंकि देखने में बहुत ख़राब लग रहा था, ये देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसका लुक बहुत ख़राब लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा आज इसको मैं सही कर दूँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा हीट वाली गर्मी जो है वो हमारे मनी प्लांट को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है, जो भी कटिंग इसकी निकले, आप एज ए कटिंग भी लगा सकते हैं इसको, जैसे ये देखिए एज ए कटिंग के तौर पे आप यहाँ से काट लीजिए, इतना काट लीजिए, ये नीचे का पत्ता हटा दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और इसको जो है इतना, जैसे यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट लीजिए और इसको ये वाला पत्ता हटा दीजिए, 2 इंच इसको मिट्टी में दबा दीजिए, जहाँ से ये स्प्राउट निकला है पत्तियों का, ये हमारा 1-2 इंच हमारा जो है मिट्टी में दबना चाहिए। तो एज ए कटिंग इसमें से कुछ हम छांट लेंगे जो कटिंग हमें लगानी है, बाकी जो है इसको हम स्टोर कर लेंगे, पत्तियों की खाद बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए काफ़ी अच्छा है, तो इसको मैं एज ए कटिंग के तौर पर लगाऊंगी। तो दोस्तों आपने मनी प्लांट को सेडी एरिया में रखिए, इतनी ज़्यादा जलने वाली जो धूप हो रही है 12 बजे के बाद वाली, 12 बजे से और जो है जो 4 बजे तक धूप होती है, वो मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कैसी हो रही हैं। तो मनी प्लांट की आप लोग, हम जो है आगे वीडियो में इसकी केयर करना बताएंगे। और इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, बाकी इसको सारा दिन सेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे जो है थोड़ा सा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हो, नमी हो, क्योंकि इसको नमी बहुत पसंद है, नमी वाली जगह रहता है तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप लोग अपने मनी प्लांट को ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।